दोस्तों, कैसे हो आप? आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं नन्ना कवि राहुल भारद्वाज अपनी नई कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है तन्हाई ही तन्हाई नज़र आएगी। इस कविता में कवि ने कोरोना वायरस महामारी के तांडव के बारे में बताया है। ऐसा तांडव जिसने पूरे संसार की गतिविधियों को रोक दिया है तथा चारों तरफ हाहाकार मचाया हुआ है। कविता की शुरुआत करते हैं, तन्हाई ही तन्हाई नज़र आएगी। आग लगा दी है मैंने, आग लगा दी है मैंने, न जाने किस किस को जलाएगी। आग लगा दी है मैंने, न जाने किस किस को जलाएगी। शायद अब ऐसा लगता है, शायद अब ऐसा लगता है दूर दूर तक फैल जाएगी। शायद अब ऐसा लगता है दूर दूर तक फैल जाएगी। जो सत्ता संभाली है मैंने, जो सत्ता संभाली है मैंने, वह पूरे विश्व पर छा जाएगी। आग लगा दी है मैंने, न जाने किस किस को जलाएगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा, परछाई वृक्ष की न नज़र आएगी। परछाई वृक्ष की न नज़र आएगी, फिर तांडव होगा वीराने में, फिर तांडव होगा वीराने में, हाहाकार फैल जाएगी। झुलसेंगे सारे बच्चे बूढ़े, झुलसेंगे सारे बच्चे बूढ़े, तन्हाई तन्हाई नज़र आएगी। हाहाकार फैल जाएगा, झुलसेंगे सारे बच्चे बूढ़े, तन्हाई ही तन्हाई नज़र आएगी। चीख पुकार मचेगी चारों ओर, चीख पुकार मचेगी चारों ओर, लाश ही लाश नज़र आएंगी। चीख पुकार मचेगी चारों ओर, लाश ही लाश नज़र आएंगी। रोक सको तो रोक लो मुझे, रोक सको तो रोक लो मुझे, अब सवारी निकल कर जाएगी। रोक सको तो रोक लो मुझे, अब सवारी निकल कर जाएगी। आग लगा दी है मैंने, न जाने किस किस को जलाएगी। आग जला दी है मैंने, न जाने किस किस को जलाएगी। कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है इसका, पता नहीं चल पाएगी। पिंजरे में बैठे हैं पंछी सारे, पिंजरे में बैठे हैं पंछी सारे, चहचहाहट कहाँ से आएगी। लॉकडाउन के समय में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और कवि ने उन्हें पंछियों का नाम दिया है जो अपने अपने पिंजरों में बंद हैं। अब चारों तरफ शोरगुल कहाँ नज़र आएगा, उसके लिए उन्होंने कहा है कि पिंजरे में बैठे हैं पंछी सारे, चहचहाहट कहाँ से आएगी। थम गई है दुनिया सारी, थम गई है दुनिया सारी, तन्हाई ही तन्हाई नज़र आएगी। रोक सको तो रोक लो मुझे, अब सवारी निकल कर जाएगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह नन्ना कवि आपके सहयोग से एक ऐसी लंबी डोर बना दे जिसमें पूरा संसार बन जाए और कोई भी गांठ इसके अंदर न रहे। धन्यवाद।